हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम धोती सलवार के ऊपर जो कुर्ती पहनते हैं उसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए रिक्वायर्ड फैब्रिक जो लिया है, मेन फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर टाफेटा फैब्रिक लिया है और 3 मीटर यहाँ पे कॉटन लाइनिंग लिया है। तो हमारी कुर्ती बनेगी ये हाइलो शेप में बनेगी। तो सबसे पहले हमें जो हमारा कॉटन लाइनिंग है उसमें से फैब्रिक को सेपरेट करते हुए टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे फैब्रिक मैंने फोरफोल्ड में किया है, मेरी वाली बाजू बंद है, सामने वाली साइड जो है ओपन साइड है। अब देखिए, सबसे पहले हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर आपका जो भी है उसे डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। तो यहाँ पे शोल्डर में लूंगी 6.5 इंचेस। वहीं से सीधे नीचे आमहोल के लिए मार्क करेंगे। तो आमहोल है यहाँ पे 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। आमहोल का हाफ यहाँ पे लेना है आपको और यहाँ से सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है परफेक्टली। अब यहाँ पे लेना है आपको चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट आपकी जो भी है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। तो यहाँ पे चेस्ट है 40, चेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये कुर्ती बनवा रहे हैं। तो चेस्ट का 4 पार्ट यहाँ पे 10 इंचेस आ रहा है। तो देखिए लूजिंग के साथ ही है, 10 इंच पर मार्क कर लिया है, प्लस इसमें 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। तो जितना फैब्रिक फोल्ड है उतनी मार्जिन यहाँ पे ली है। अब इंच टेप को यहाँ पे रखते हुए हमें टोटल लेंथ मेजर कर ली है। तो टॉप पार्ट की लेंथ, टॉप पार्ट जो है रेडी हमें रखना है 14 इंचेस का, प्लस 1 इंच 15 इंच पर मार्क करते हुए एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है स्केल की हेल्प से। देखिए जहाँ पे लाइन ड्रॉ की है वहीं पे हमें लेना है वेस्ट का मेजरमेंट। आपकी जो भी वेस्ट है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। तो वेस्ट है यहाँ पे 36 इंचेस, डिवाइडेड बाय 4 करके 9 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेना है और जितनी मार्जिन हमने ऊपर रखी है उतनी ही मार्जिन हमें नीचे वाले पार्ट में भी रखनी है 2 इंच की। इन दोनों पॉइंट को भी कनेक्ट कर लेना है। ये लाइन आगे एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पे क्रॉस में एक जो है मार्क कर लेना है। देखिए फ्रंट आर्महोल के लिए हमें करना है 1 इंच पर मार्क और बैक आर्महोल जो है उसके लिए 1.5 इंच पर मार्क। देखिए स्केल की हेल्प से यहाँ पे हमें शेप जो है आर्महोल का ड्रॉ कर लेना है। स्केल को अच्छे से फिक्स कर लीजिए एक बार। तो ये हो गया फ्रंट आर्महोल का शेप, ऐसे ही हमें बैक आर्महोल जो है उसका शेप देना है। देखिए दोनों आर्महोल का शेप यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ये नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पे कितनी लेनी है, तो यहाँ पे नेक की चौड़ाई 3.25 इंच लेंगे हम। 3.25 इंच पर मार्क कर लिया है नेक की चौड़ाई के लिए। अब नेक जो है डीप रखना है, तो नेक फ्रंट नेक डीप रखेंगे हम 4.5 इंचेस लगभग। आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक की डीपनेस बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंच और बढ़ा लेंगे हम। 5 इंच पर मार्क करेंगे फ्रंट नेक के लिए और स्क्वायर शेप जो है ड्रॉ कर लेंगे। देखिए वहीं से सीधे नीचे इंच टेप को रखते हुए 7 इंच पर मार्क करेंगे, एक 7 इंच पर और एक 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए 7.5 इंच वाला जो हमारा मार्किंग है वहां पे ऐसा बॉक्स जो है ड्रॉ कर लेना है। ये जो है बैक नेक की मार्किंग रहेगी हमारी, फिर से एक बॉक्स जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोनों बॉक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे स्केल को रखते हुए फ्रंट नेक का शेप जो है ड्रॉ कर लिया है अच्छे से सेट करते हुए। ये जो है हमारा फ्रंट नेक का शेप हो चुका है। अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हो आपको जो अच्छा लगे वो। अब देखिए बैक साइड में भी हम राउंड नेक ही रखेंगे, तो बैक साइड में भी शेप जो है ड्रॉ कर लिया है। देखिए यहाँ पे डिप रखा है, तो यहाँ पे आमहोल साइड जो है हमने डाउन कर ली है। अब सबसे पहले हमें जो है आमहोल की कटिंग कर लेनी है, बैक आमहोल की दोनों पार्ट्स जो है सेपरेट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स दोनों पार्ट सेपरेट कर लिए हैं, ये फ्रंट वाला पार्ट है और वो बैक वाला पार्ट है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक की जो है कटिंग कर लेनी है। तो ये जो है फ्रंट वाला पार्ट है, तो सबसे पहले फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, जैसे बैक नेक हमने रेडी रखा है, मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। दोनों पार्ट्स की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब हम जो नीचे का बॉटम है उसकी कटिंग करेंगे। तो सेम एज इट इज ऐसे ही हमें मेन फैब्रिक पर टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ये फ्रेंड्स जो भी हमारा मेन फैब्रिक है इसे मैंने उल्टा रखा है, ये जो है रॉन्ग साइड है या उल्टी साइड जो है अंदर वाली ऐसे रखा है। और डबल फोल्ड में फैब्रिक है, ये वाली साइड बंद है और ये वाली साइड जो है ओपन साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ओपन साइड है। अब देखिए हमें क्या करना है, फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड में कर लेना है। तो इसका एक कोना उठाते हुए हम इसे ट्रायंगुलर शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। ट्रायंगुलर शेप में फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में हो चुका है। मेरी वाली साइड जो है बंद वाली साइड है और ये जो साइड है ये ओपन साइड है। अब हमें यहाँ पे रखना है टॉप पार्ट हमारा, कोने पे हम रखेंगे टॉप पार्ट। जो भी आपका लाइनिंग है उसे आपको रखना है, लाइनिंग की बंद वाली बाजू और ये बंद वाली बाजू जो है आपको सेम रखनी है। अब देखिए यहाँ से इस पार्ट के ऊपर 1 इंच पर मार्क करेंगे और इतना पार्ट जो है हमें बाहर रखना है ऐसे, और यहाँ पे मार्किंग जो है कर लेंगे। ये हो गई हमारी वेस्ट की मार्किंग। देखिए इंच टेप को यहाँ पे रखना है ऐसे और मेजर करना है। तो यहाँ पे 13.5 इंचेस आ रहा है। देखिए
तो पूरा जो ये हाफ सर्कल है हमारा ये 13.5 इंच का बनना चाहिए, तो 13.5 इंच पर मार्क करते जाएंगे एज इट इज। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट में से एक पार्ट मैंने सेपरेट कर लिया है और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे सेंटर की साइड से फोल्ड कर लिया है और वो जो साइड है ये ओपन साइड है। इंच टेप को यहाँ पे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हाइलो का शेप देना है तो ऊपर की साइड से मैं 19.5 इंचेस पर मार्क कर लूंगी। देखिए 19.5 इंचेस पर मैंने मार्क कर लिया है। अब इस पॉइंट को हमें उस पॉइंट तक मिला लेना है। तो देखिए फैब्रिक को ऐसे रखेंगे अच्छे से और यहाँ से जो है हम स्टार्ट करेंगे। हाइलो का शेप जो है हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मार्किंग कर ली है, हाइलो का शेप जो है हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमें इस पार्ट की जो है कटिंग कर लेनी है। देखिए फिर हम इसे कट करना स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो देखिए स्लीव्स के लिए फैब्रिक यहाँ पे 4x4 में रखा है, बंद बाजू है और ये जो है ये ओपन साइड है। सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ देखेंगे, तो स्लीव्स की लेंथ जो है वो हमें 14 इंच जो है लेनी है। 14.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे हाफ इंच जो है एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग करेंगे और लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ से हमें जो ओपन साइड है वहां से 3 इंच पर एक मार्क कर लेना है। तो देखिए 3 इंच पर एक मार्क कर लेना है, 3 इंच पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ से करना है 1 इंच पर, लगभग 1 इंच पर मार्क ऐसे। और देखिए यहाँ से स्लीव्स का शेप जो है ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से शेप देना जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारे स्लीव्स का शेप। बॉटम साइड हमें रेडी रखनी है 6 इंचेस। देखिए 6 इंचेस पर मार्क कर लिया है, प्लस इसमें हमें लेना है 1 इंच का मार्जिन जो कि साइड से फिटिंग के लिए और मार्जिन के लिए चाहिए हमें। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें कनेक्ट कर लेना है। देखिए ऐसे हाफ इंच अंदर से और एक मार्क कर लेंगे फ्रंट शेप के लिए। एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे कम्प्लीट हो चुकी है। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लेनी है। देखिए ये मैं फ्रंट पार्ट लिया है, अब हम बढ़ते स्टिचिंग की ओर। तो फ्रंट पार्ट को देखिए ये जो है सीधा फैब्रिक है, ये जो है मेन फैब्रिक की सीधी साइड है और ये जो है उल्टी साइड है। अब देखिए इस पार्ट को इसके ऊपर रखना है, मेन फैब्रिक को इसके ऊपर, मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का पार्ट जो है अच्छे से रख लीजिए ऐसे। और जो नेक वाला पार्ट है उसे हमें स्टिच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों नेक पार्ट जो है हमने रेडी कर लिए है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए हम इसे सीधी साइड टर्न करेंगे, जो नेक का पार्ट है उसे। देखिए दोनों पार्ट्स जो है हमने सीधी साइड टर्न कर लिए है। अब हमें ये जो नेक के पार्ट है उसके ऊपर टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं ऐसे। उसके बाद आर्म होल साइड और जो हमारी ये साइड वाली ये जो है पैनल, वहां से अस्तर जो है ज्वाइन कर लेना है। देखिए दोनों आर्म होल साइड इसे स्टिच कर लेना है, टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं। देखिए यहाँ पे मेन जो बॉटम पार्ट है उसका मेन फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रखा है और यहाँ से हमें इसे स्टिच कर लेना है। देखिए वेस्ट लाइन से अस्तर जो है ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद ये जो अस्तर है उसे सिंपली डबल फोल्ड करते हुए बॉटम पूरा फोल्ड कर लेना है और ये जो पार्ट है इसे हमें पीको कर लेना है। देखिए सिंपली डबल फोल्ड करते हुए पीको कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम पार्ट का जो अस्तर है वो हमने ज्वाइन कर लिया है। देखिए अस्तर ज्वाइन कर लिया है, अस्तर को सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच भी कर लिया है और साथ ही साथ जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें ऐसे हमने पाइपिंग कर ली है या फिर पीको कर लिया है। ऐसे ही हमें जो दूसरा फ्रंट वाला पार्ट है उसे रेडी कर लेना है। दोनों नेक पार्ट जो है फ्रंट और बैक रेडी कर लिए हैं हमने टॉप स्टिचेस लगाते हुए और साइड से जो है अस्तर हमने ज्वाइन कर लिया है। स्लीव्स भी यहाँ पे रेडी कर लिए, स्लीव्स में भी अस्तर जो है हमने यहाँ पे लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को दोनों मेन फैब्रिक आमने सामने रखते हुए शोल्डर्स के शोल्डर जो है अटैच कर लेने हैं। दोनों शोल्डर अटैच कर लेंगे, स्लीव्स रेडी कर लेनी है। तो स्लीव्स में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो सिल्वर लेस है इसका यूज करते हुए स्लीव्स भी डिजाइन बनाएंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए स्लीव्स का ये पॉइंट और ये बॉटम का एंड वाला पॉइंट जो है इसे मिला लेना है और सेंटर में एक लाइन जो है क्रॉस में हमें ऐसे बना लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये देखिए इस लाइन से हमें 2.5 इंचेस पर और एक मार्क करते जाना है, 2.5 इंच पर। जैसे हम लाइन जो है खींचते जाएंगे, जैसे 2.5 के बाद 5 इंचेस के बाद 7.5 इंचेस, 2.5 इंचेस का लगभग हमारा एक जो बॉक्स है वो बनेगा। देखिए
इसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर पॉइंट्स बना लीजिए, फिर स्केल की हेल्प से आपको ये जो पॉइंट्स है उन्हें कनेक्ट कर लेना है। 2.5 इंचेस पर देखिए हमने मार्किंग कर ली है। अब जो भी मार्किंग हमने कर ली है उन पॉइंट्स को हमें सिर्फ कनेक्ट कर लेना है। देखिए स्केल की हेल्प से आप ये पॉइंट्स जो है कनेक्ट कर लीजिए। आपके घर में जो भी स्केल है उसी के अकॉर्डिंग उस स्केल का यूज करते हुए आपको ये पॉइंट्स जो है कनेक्ट कर लेने हैं। देखिए ये जो लाइंस है ये कंप्लीट कर ली है हमने। अब देखिए ये जो है ऐसे हमें क्रॉस में और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे, और यहाँ पे बॉक्सेस जो है बना लेनी है। अब देखिए जो भी पॉइंट्स हमने बना लिए है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्केल की हेल्प से लाइंस जो है ड्रॉ कर लेनी है क्रॉस में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों स्लीव्स जो है रेडी हो चुके हैं हमारी। अब ये जो स्लीव्स है हमें जो हमारी टॉप पार्ट है उसमें अटैच कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों शोल्डर जो है हमने अटैच कर लिए है, दोनों शोल्डर से शोल्डर अटैच कर लिए है। अब हमें स्लीव्स लेनी है और स्लीव्स का जो फ्रंट पार्ट है उसे देखना है आपको। देखिए स्लीव्स का मेन फैब्रिक और ये जो टॉप पार्ट है उसका मेन फैब्रिक दोनों आमने सामने रखते हुए दोनों स्लीव्स जो है हमें इसमें अटैच कर लेनी है। ऐसे ही दूसरी स्लीव्स अटैच कर लेनी है। उसके बाद हमें ये जो बॉटम का मेन फैब्रिक है, देखिए बॉटम पार्ट का जो हाई लो का शेप है फ्रंट वाला, उसे हमें फ्रंट पार्ट में ऐसे अटैच कर लेना है। जो भी मेन फैब्रिक है दोनों मेन फैब्रिक आमने सामने रखते हुए ऐसे टॉप पार्ट में बॉटम पार्ट जो है अटैच कर लेना है। देखिए फ्रंट स्लीव्स जो है दोनों अटैच हो चुकी है कुर्ती में, और जो है जो फिटिंग की मार्किंग है हमारी उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है। जो मार्किंग कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्लीव वाली साइड से फिटिंग करना स्टार्ट कर लेना है और बॉटम साइड तक कुर्ती को फिटिंग कर लेनी है। साथ ही साथ ये जो स्लीव है हमारी, देखिए स्लीव्स को सिंपली ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे आधा इंच, और फिर से एक बार फोल्ड करते हुए स्लीव्स का बॉटम फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स इसी के साथ रेडी है यहाँ पे ब्यूटीफुल डिजाइनर हाई लो अम्ब्रेला कुर्ती फॉर धोती सलवार। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धोती सलवार का वीडियो कुर्ती की वीडियो के बाद अपलोड होगा, जरूर देखिए।